समेत 12 राज्यों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। मुंबई, गोवा और वाराणसी में रात से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। तीन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दो तीन दिन पहले जब मुंबई में बारिश हुई थी, जगह जगह जलभराव हो गया था, उसके बाद ट्रैफिक जाम हो गया था। हमारे सहयोगी राजेश ने हमें एक रिपोर्ट भेजी है इसी बारिश को लेकर, वो आपको दिखा देते हैं। साथ हो रही इस वक्त हम हिंद माता इलाके में है और कैमरामैन गणेश डुंडाले आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से मुंबई जो है इस वक्त बरसात में तरबतर हो रही है। मौसम विभाग ने पहले ही चेतावनी दी थी कि 8, 9 और 10 जून को मुंबई में भारी बरसात होगी। बहुत ज्यादा जरूरत हो तभी घर से बाहर निकले, और सवेरे से ही मुंबई के सभी इलाकों में, चाहे पश्चिमी उपनगर की बात करें, पूर्वी उपनगर की बात करें, मध्य मुंबई या दक्षिण मुंबई, हर जगह जो है वो बरसात लगातार हो रही है। हालांकि और गनीमत यह है, राहत की बात यह है कि कहीं से भी जल जमाव की खबर जो है वो अभी तक नहीं आई है। शनिवार का दिन है, बहुत सारे दफ्तरों में छुट्टी भी रहती है, इसलिए आपको सड़क पर यातायात भी थोड़ा कम दिखेगा। वहीं बरसात की वजह से कुछ आपदाएं जो है वो जरूर हुई है। मुंबई के फोर्ट इलाके में एक बिल्डिंग में, 5 मंजिला इमारत में आग लगी जो पूरी तरीके से जलकर खाक हो गई। वहीं प्रभा देवी इलाके में एक बिल्डिंग का स्लैब गिरा जिसमें 2 लोग जख्मी हो गए हैं। तो कुछ ना कुछ दिक्कतें जो बरसात अपने साथ मुंबईकरों को लेकर आती है वो सामने आ रही है। हालांकि अभी तक सड़क यातायात पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है क्योंकि जल जमाव की खबर कहीं से नहीं आई है। रेल यातायात भी सामान्य है, हवाई यातायात पर कुछ प्रभाव जरूर पड़ा है। 2 फ्लाइट जो है उन्हें डाइवर्ट किया गया है और हवाई सेवा जो है, हवाई जो फ्लाइट है वो 10 से 15 मिनट की देरी से उड़ रही है। फिलहाल मुंबई में बरसात तेजी से हो रही है लेकिन जल जमाव की स्थिति कहीं नहीं है। आज शनिवार का दिन है, दफ्तरों में, काफी सारे दफ्तरों में छुट्टी है, इसलिए सड़क पर यातायात या ट्रैफिक जाम की भी खबर कहीं से नहीं है। लेकिन मुंबई जो है वो बारिश में तरबतर हो रही है। कैमरामैन गणेश जुंडाले के साथ राजेश कुमार, इंडिया न्यूज, मुंबई।